बात बताने जा रहा हूँ मैं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में मदद करेगी। एक व्यक्ति ऐसा जिसकी प्रार्थना सुनी जाती है और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्या फर्क होता है उनकी प्रार्थना करने में, उसको बात समझते हैं। एक व्यक्ति जाता है और प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरा काम नहीं चल रहा, और एक व्यक्ति जाता है और कहता है ईश्वर कृपा कर मेरा काम चल जाए। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं है या समझता नहीं है, मुझे प्रेम नहीं करता, और एक व्यक्ति जाता है वो कहता है ईश्वर कृपा कर मेरा रिलेशन अच्छा रहे, मेरा पति मेरी पत्नी मुझे समझे, मुझसे प्रेम करे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति वो बोल रहा है जो वो चाहता है और एक व्यक्ति वो बोल रहा है जो वो नहीं चाहता है। ईश्वर सिर्फ एक चीज जानता है, वो है तथास्तु। जब एक व्यक्ति जाता है वो कहता है मेरा बच्चा बड़ा नलायक है, ये पढ़ाई नहीं करता, ईश्वर कहता है तथास्तु, कभी नहीं पढ़े। एक व्यक्ति जाता है कहता है ईश्वर कृपा कर मेरे बच्चे को सतबुद्धि दे, वो मन लगाकर पढ़ा करे, ईश्वर कहता है तथास्तु, बच्चे को सद्बुद्धि भी आती है और वो पढ़ना भी शुरू कर दे। क्लियर है? एक जिना जाके कहता है ईश्वर कृपा कर मेरा काम धंधा अच्छा चले, मेरे कारोबार में बरकत बख्श, ईश्वर कहता है तथास्तु, काम धंधा अच्छा चलता शुरू कर। समझना है एक रेकी हीलर में और एक सफरर में क्या फर्क है। सफरर रोज अपने घुटने को पकड़ता है, कहता है मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, मेरे घुटने में बड़ा दर्द है, और रेकी हीलर उसी घुटने को पकड़ता है, कहता है इसका घुटना ठीक हो गया, इसका घुटना ठीक हो गया, इसका घुटना ठीक हो गया। जो सफरर है वो तो ज्यादा देर तक घुटने को पकड़े रहता है, और हीलर तो सिर्फ 10 मिनट आके पकड़ता है तो भी घुटना ठीक हो जाता है। तो अपने पेशेंट को ये जरूर सिखाइए कि जो वो चाहता है उसकी बात करे, जो नहीं चाहता उसकी बात ना करे। अब दूसरी बात पे आते हैं, तो एक एस्पेक्ट था जिंदगी में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपनी समस्या को बड़ा समझते हैं, समाधान को नहीं। आप उनको कोई भी प्रॉब्लम का समाधान बताओगे ना तो वो समाधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो साड़ी समस्या तो बड़ी ब्रांडेड है, बड़ी है। और कुछ लोग समाधान को बड़ा समझते हैं, कुछ लोग बीमारी को बड़ा समझते हैं, दवा को उपचार को छोटा समझते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती। तो हमेशा अपने पेशेंट को ये यकीन दिलाना कि उपचार बीमारी से ज्यादा बड़ा होता है, तभी वो ठीक होता है। जब पहले दिन ही आप बता देते हो ना आपकी बीमारी तो आड़ी बीमारी हो, आप तो इतनी बड़ी बीमारी है, तो फिर जनरल ट्रीटमेंट हो जाता है, भाई मेरी बीमारी तो बहुत बड़ी है, तो एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। जीवन में भी इसी तरह देखो, एक तरीका ये है कि रोज अपने भगवान के सामने खड़े हो जाओ और भगवान को रोज डराने बैठ जाओ कि मेरी समस्या बहुत बड़ी। दूसरा तरीका है समस्या को फेस करो और समस्या को बताओ कि मेरे साथ जो मेरा भगवान है वो बहुत बड़ा। तो जब भगवान को बड़ा मानोगे तो समस्याएं छोटी होकर गायब हो जाएंगी, और जब समस्याओं को बड़ा मानोगे तो जीवन से भगवान गायब हो जाएंगे। तो आज से समस्या की तरफ फोकस नहीं, समाधान की तरफ फोकस। व्हाट टू डू टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स, स्टार्ट डूइंग दैट। वजन घटाना है तो क्या करना है, तो जो करना है ना उस पे फोकस बढ़ाओ, वजन पे फोकस मत बढ़ाओ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, मेरी शुगर बढ़ती जा रही है, उस पे फोकस मत बढ़ाओ। शुगर को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना है उसको दोहराओ। जैसे उसको गैस बड़ी बन रही है, गैस बड़ी बन रही है, गैस बड़ी पास हो रही है, गैस पे फोकस मत करो। ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, उस पे फोकस करो। जैसे ही आपका फोकस समाधान पे हो जाएगा जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से समस्या को बड़ा नहीं मानना, समाधान पे फोकस करना है और उसको लगातार करते जाना है, तो आप देखोगे समस्या कब थी कब गायब हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा, जीवन में जो चाहते हो सिर्फ वही बोलो, जो नहीं चाहते उसको बोलना ही बंद करो, स्टॉप यूजिंग दोज वर्ड्स। अच्छा देखो, एक वैसे जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब को रेफरेंस में पढ़ते हैं, उसमें एक जगह लिखा है सोचिया सोच ना हो वही जे सोची लखवार। सोच में हो सकता है हमारे कुछ उल्टा सीधा, इंसान है कुछ भी दिमाग में आ जाता है, लेकिन एक जगह ये जरूर लिखा है बहुता कहिए बहुता हुए, जो बार बार हम बोलते हैं वैसा डेफिनेटली होना शुरू हो जाता है। तो
बोलने पे हमारा कंट्रोल है, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो आज से हमेशा वही बातों को बोलोगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन बातों को 100% अवॉइड कर दोगे जो आप चाहते ही नहीं, ठीक है। तो ये पक्का फॉलो करिएगा और अपने क्लाइंट्स को भी ये बताइएगा कि वो भी फॉलो करें।